दोस्तों भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े अंतर से हरा करके उसकी औकात याद दिला दी और हार के बाद पाकिस्तान में फिर टूटी 50 करोड़ की टीवी। दोस्तों अभी देखना चाहते हो भारतीय टीम ने कैसे पाकिस्तान को हराया और हार के बाद पाकिस्तान में कैसे मचा हंगामा। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए पाकिस्तान के खिलाफ 356 रन, जिसमें विराट कोहली ने शतक ठोका 122 रन लगाए, केएल राहुल ने शतक ठोका 111 रन लगाए, जबकि सुमन गिल ने 58 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए 56 रन की पारी खेली। 356 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आई। आते ही दोस्तों कुलदीप यादव ने विकेट निकालना शुरू कर दिया और बुमराह ने पहली विकेट निकाली इमामुल हक के रूप में। दोस्तों उसके बाद कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों का विकेट चटका दिया और पूरी टीम को 128 रन के स्कोर पे ऑल आउट कर दिया 32 ओवर में। और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 228 रन के बड़े अंतर से जीत करके पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। दोस्तों पाकिस्तान के हार के बाद पाकिस्तान में फिर टूटी 50 करोड़ की टीवी।